और सभी मेरे प्यारे बच्चों विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोरियस क्लास में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो को लेकर आया हूँ, जिसमें केस के थर्ड पार्ट की ओर बढ़ेंगे। आपने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में पीए एंड पीपी का अध्ययन किया और इस वीडियो में हम लोग पोजिशन वाले वर्ड्स का नहीं बल्कि पोजिशन केस का अध्ययन करेंगे, जिसका पोजिशन केस और शॉर्ट में पीसी करते हैं। ठीक है, पीसी क्या है? जो कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु के बीच में संबंध। मैंने सेकेंड वीडियो के लास्ट में मैंने बताया था कि जब भी कोई वस्तु और दूसरे वस्तु के बीच में अगर संबंध अगर बता रहा है तो वो एक शब्द है जिसका नाम है का की के। इन शब्दों के बीच संबंध सहायता से दोनों वस्तु के आपस में क्या करते हैं, संबंध को व्यक्त किया जाता है। जैसे राम का भाई, तो राम और भाई ये दोनों के बीच में क्या आया, का की के, ये शब्द का प्रयोग करके संबंध बता सकते हैं आप। ठीक है, कुर्सी का रंग, फूलों का पत्तियां, ठीक है, ये सब कलम की कीमत, चीनी का कीमत, ये सभी क्या है, एक वस्तु दूसरे वस्तु के बीच में क्या है, संबंध बता रहा है। किसकी सहायता से, का की के। तो ये सभी चीज अगर आपको समझना है तो सिर्फ हमें क्या करना है, इसके पॉजिटिव केस को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस जो है ये आप उसके अंदर अध्ययन किए थे पीए एंड पीपी। अब ये है जो संबंध बता रहा है, जिसका अर्थ है क्या, का की के। इसकी सहायता से आप बनाएंगे और जो है, तो ये जो संबंध बताते हैं तीन तरीका से बनाया जाता है, थ्री वेज है संबंध बताने का, तीन तरीका है। तो पहला तरीका है एपोस्ट्रोफी एस की सहायता से, आई मीन इस प्रकार से, ये एपोस्ट्रोफी है। सेकेंड है ओनली एपोस्ट्रोफी, केवल क्या है, एपोस्ट्रोफी मतलब केवल ये, और सेकेंड है तो आप जानते ही हैं ऑफ। ठीक है, जिसका क्या होता है, का की के, ये सभी शब्द का प्रयोग करना है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे रूट की ओर। पहला आपका लेक्चर होगा इसका पीसी के बारे में, समझिएगा क्या है। तो इसका दिन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक वस्तु को दूसरे वस्तु, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ, I mean to say that first noun and second noun to show relation with the help of की सहायता से noun first and noun second के बीच में क्या करेंगे, संबंध को बताएंगे। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस संबंधकारक क्या है, संबंधकारक पीसी, यही है पीसी। तो समझने वाली बात है कि जब भी किसी वस्तु व्यक्ति जानवर का अगर संबंध बताना हो, संबंध बताना हो, जब किसी व्यक्ति वस्तु जानवर नाउन हो किसी दूसरे नाउन की के साथ संबंध को व्यक्त करना हो तो हमें जरूरत पड़ती है किसकी, का की के की सहायता से ही आप बता सकते हैं संबंध। ठीक है, ऐसे नहीं हिंदी में, इंग्लिश में क्या है, तो इंग्लिश में मैंने आपको रूल बताया कि तीन तरीका से बना सकते हैं, लेकिन उन तीनों तरीका से सभी के साथ फॉलो नहीं होता है, किसी किसी के साथ कुछ और कुछ और कुछ और होगा। ठीक है, तो रूल बाय रूल में पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। तो ये आपका सबसे पहला चीज आगे समझ में आ गया कि जब भी किसी एक नाउन दूसरे नाउन के बीच में अगर संबंध बनाना है तो काकी के की सहायता से, और इंग्लिश में कहें तो ऑफ या एपोस्ट्रोफी एस या फिर केवल एपोस्ट्रोफी। ठीक, इसकी सहायता से आप बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, अब ये कुछ रूल है, उस रूल को आपको समझना होगा, अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, आप चाहे तो इसे कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, और यदि कहीं भी अगर डाउट है, प्रॉब्लम होगा, आप कमेंट कीजिए, विदाउट हेजिटेशन आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो।
तो नेक्स्ट तो सबसे पहला आपका पॉइंट है, सबसे पहला रूल होगा, सबसे पहला रूल है कि जब भी किसी सजीव प्राणी का, यहाँ सबसे पहले सजीव प्राणी का ही पढ़ेंगे, ठीक है। जब भी किसी सजीव प्राणी का संबंध बताना हो, ठीक है, किसी सजीव प्राणी का संबंध बताना हो एक सजीव प्राणी का दूसरे नाउन के साथ, दूसरे नाउन के साथ संबंध बता रहे हैं, तो हिंदी में तो आपका पता है का की के होगा, लेकिन इंग्लिश में क्या करेंगे, सजीव प्राणी है और सिंगुलर है, ध्यान देना है, क्या है, सजीव प्राणी और साथ में सिंगुलर है, तो क्या करना है, और इसका का की के और प्लस इधर नाउन अलग है, इसको नाउन टू मानते हैं, इसको नाउन वन मानते हैं। तो क्या करना है, जैसे है वैसे ही देना है नाउन वन, और इसके साथ आप एपोस्ट्रोफीस का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर नाउन है तो हो गया, और फिर इसके बाद आप नाउन टू का प्रयोग करेंगे इसी के तुरंत बाद, ठीक है। जैसे एग्जांपल में राधा की किताब, राधा की किताब, कुत्ता का रंग क्या होगा, कुत्ता ये राधा की किताब, तो यहां पर होगा राधा, देखिए नाउन फर्स्ट है, नाउन दे फर्स्ट नाउन सेकेंड, ठीक है, राधा और इसमें एपोस्ट्रोफीस और बुक है राधाज बुक, इसको क्या पढ़ना है, राधाज बुक, यहाँ कुत्ता का रंग, तो यहाँ पर क्या हुआ, द डॉग्स, डॉग में एपोस्ट्रोफीस और रंग है, तो क्या हो जाएगा, कलर, द डॉग्स कलर, कुत्ता का रंग, और यहाँ द क्यों लगा, तो ये किसी के बारे में बता रहा है, कोई खास कुत्ता है, जैसे कुत्ता का रंग काला है, तो कौन कुत्ता का रंग काला है भाई, सभी कुत्ता का रंग तो काला नहीं है, सभी कुत्ते का रंग काला नहीं होता है, कोई खास कुत्ता का रंग बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कुत्ता जो है निश्चित हो गया, और मैंने आर्टिकल में आप लोग को बताया होगा कि निश्चित नाउन के साथ में हमेशा द का प्रयोग करते हैं, डिफरेंट नाउन के साथ हमेशा द, सो द कलर, द डॉग्स कलर इज ब्लैक, इज ब्लैक, ये आपका सेंटेंस रेडी, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल, ओके। तो ये आपका रूल नंबर फर्स्ट में था, जब किसी सजीव प्राणी का संबंध दूसरे नाम के साथ बता रहे हैं तो आप उसको बनाना है, ये आपका ठीक हुआ या जो कहें, ठीक है, नाउन फर्स्ट में एपोस्ट्रोफीस का लगा करके नाउन टू को सीधे उतार देना है, ठीक है। उसी तरह से एक और एग्जांपल देते हैं, आदमी का व्यवहार, आदमी का व्यवहार, नाउन फर्स्ट नाउन सेकेंड, यहां पर क्या देंगे, मैन्स नेचर, मैन्स नेचर, ठीक है। उसी प्रकार से विद्यार्थी की संख्या बना सकते हैं, क्या होगा, स्टूडेंट्स नंबर, स्टूडेंट्स नंबर, अब द भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्या कहता है कैसा है नहीं है, यहां भी द लग सकता है, ठीक है, लेकिन यहां सेंटेंस के अनुसार क्या सेंटेंस होगा, लगेगा या नहीं लगेगा वो आगे पर निर्भर है, ठीक है। अभी आपको यहाँ ये सीखना है, और आप द का प्रयोग पढ़ चुके हैं और आपको समझ में आ रहा होगा, तो सेंटेंस लगेगा या नहीं लगेगा, जैसे आदमी का व्यवहार क्या है, शोभनीय होता है, यहाँ पे आदमी है जो सभी मेरे आपका उसका इसके स
सभी का व्यवहार एक जैसा बताया जा रहा है, यहाँ पर समान नहीं लेकिन एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर जब एक जैसा भी आदमी का यहाँ संबोधन किया जाएगा तो यहाँ पे मैं के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन कोई खास अगर आदमी है, कहते आदमी का व्यवहार अच्छा नहीं था तो कोई खास आदमी आ गया इसलिए वहां पर क्या लगाएंगे द का प्रयोग, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बहुत होती है, यहाँ पे सामान्य हो गया, जनरली तौर पे कहा गया, इसलिए यहाँ पे लगा नहीं सकते। लेकिन अगर कहेगा विद्यार्थियों की संख्या 100 है तो देन स्टूडेंट्स नंबर इज 100, द स्टूडेंट्स यहाँ पे द लग जाएगा और स्टूडेंट्स पढ़ रहे नहीं, इसको क्या कर किया जा रहा है, एक नाउन को दूसरे नाउन से संबंध को शो कर रहा है, ठीक है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। तो अब मैं आपको रूल नंबर सेकेंड क्यों ले चल रहा हूँ, यहाँ अभी आपने पढ़ा सजीव प्राणी का संबंध बताना, और यदि पॉलुलर प्राणी रहेगा पॉलुलर में और उसका संबंध बताना है तो कैसे बताएंगे। यहाँ जब पॉलुलर सजीव प्राणी का पॉलुलर बना रहे हैं, सॉरी संबंध बता रहे हैं, तो ध्यान देने वाली बात है कि वह पॉलुलर सजीव प्राणी का अंत कैसे हुआ है, पॉलुलर सजीव प्राणी का अंत किस प्रकार से, विदाउट एस या विद एस, पॉलुलर दो प्रकार से होता हुआ, ठीक है। देखिए जैसे पैरोड, ये सिंगुलर है पैरोड्स, ये पॉलुलर हो गया, इसका अंत किस प्रकार से हुआ एस। लेकिन यही है मैन सिंगुलर में, ये भी तो पॉलुलर है तो यहां इसमें एस नहीं लगा, यही है दो प्रकार के, एक विद एस और विदाउट एस, तो दोनों का पॉलुलर जो यहाँ संबंध बताना है दोनों अलग अलग तरीका से, ठीक है। तो इसका किस प्रकार से बनाएंगे, इसका किस प्रकार से बनाएंगे तो समझिएगा, ठीक है। तो क्या करना है कि जब पॉलुलर सजीव प्राणी का बना रहे संबंध, तो ध्यान देना है कि नोट वन में क्या यदि उसका अंत किससे एस से हो तो उसका संबंध जो बताएंगे, उसका पीसी जो बताना है किससे बताना है, पीसी केवल ओनली एपोस्ट्रोफी की सहायता से ही बनाएंगे, एस नहीं लगाना है, ठीक है। एपोस्ट्रोफी की सहायता से बनाया जाता है, जैसे पॉलुलर है और सजीव होना चाहिए, जैसे लड़कों की संख्या क्या होगा, लड़कों है, लड़का का बॉय होता है और यहाँ पे लड़कों हो गया इसलिए बॉयज, और इसमें आप इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका पॉलुलर हुआ है एस से, तो इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगेगा, और बॉयज नंबर, ठीक है। उसी प्रकार से लड़कियों की छात्रावास तो क्या होगा, यहाँ पे लड़कियों की छात्रावास तो होगा गर्ल का गर्ल पॉलुलर बनेगा और इसमें एपोस्ट्रोफी केवल एपोस्ट्रोफी एस नहीं, गर्ल्स हॉस्टल बताए ना, गर्ल्स हॉस्टल है या लड़कियों की छात्रावास है, तो दिस इज गर्ल्स हॉस्टल, यह लड़कों का कमरा है, दिस इज बॉयज रूम, दिस इज बॉयज रूम, लड़कों की संख्या कम थी, द बॉयज नंबर वाज लेस, ठीक है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके संबंध बताएं, तो यहाँ पे कब बताएं से कि जब उसका पहले से ही अंत है एस से, जब पहले से ही एस से अंत हो तो केवल एपोस्ट्रोफी, और कुछ ऐसे पॉलुलर नाउन होंगे जिसका अंत एस से नहीं होगा तब आप उसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड एंड आई वांट टू
इनिशिएट इफ यू वांट टू राइट एंड टू कॉपी इन योर नोटबुक आप कॉपी कर सकते हैं और समझ सकते हैं यदि कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कीजिए ओके नोट नंबर टू में क्या यदि उसका अंत यहाँ पे अंत नहीं लिखे थे उसमें उस टाइम में ठीक है आप समझ गए होंगे उसका अंत क्या चीज है एस से नहीं बल्कि किसी और लेटर से हो बल्कि किसी और लेटर से और लेटर से तो क्या लगाना है उसका पीसी कैसे बनाएंगे एपोस्ट्रोफी एस लगा करके लगाना है पीसी के लिए ठीक है यदि उसका अंत एपोस्ट्रोफी सॉरी एस से नहीं बल्कि किसी अन्य और लेटर से हो एस से छोड़कर जैसे मर्द का व्यवहार तो यहाँ पे क्या है मर्द यहाँ पर फोल्डर में है और मर्द का फोल्डर बता है मेन तो मेंस क्या होगा बिहेवियर और इस प्रकार से आप बना सकते हैं ठीक है बैलों की संख्या क्या होगा बैलों की संख्या ऑक्सेन ऑक्स का फोल्डर ऑक्सेन होता है इसलिए यहां इसमें क्या लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस और नंबर ठीक है अरे बात समझ में बच्चों का होमवर्क तो चिल्ड्रेंस होमवर्क ठीक है बच्चों का होमवर्क पूरा हो गया घर में पूछते हैं ठीक ना बच्चों का होमवर्क पूरा हो गया तो द चिल्ड्रेंस होमवर्क हैज कंप्लीटेड हो गया है यस या नो तो क्या करना है इस प्रकार से आप बनाएंगे फोल्डर किस प्रकार से हुआ है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे विदाउट एस है तो अगर पहले से एस रहेगा तो केवल एपोस्ट्रोफी का ही प्रयोग करेंगे अनिवार्य समझिए तो यहां तक आपने दो तरह से पीसी बनाना सीखे एपोस्ट्रोफी एस और विदाउट एस ओनली एपोस्ट्रोफी तो यहां पर आपने दो तरह से सीखा अब आपने सजीव प्राणी सिंगुलर का और प्लूरल का दोनों को बनाना सीख गए हैं अगर राम का भाई है राम का भाई तो राम्स ब्रदर ठीक है इस प्रकार से बनाइए लेकिन अब है निर्जीव प्राणी की बारी कि अगर कोई निर्जीव प्राणी है और उसका संबंध बताना है तो किस प्रकार से बनाएंगे तो यदि निर्जीव प्राणी है और वो सिंगुलर है या प्लूरल है वो नहीं देखना है बस देखना है सजीव है या नहीं अगर निर्जीव है तो ठीक है अगर सजीव है तो आपको ये दोनों फॉलो करना है ठीक है यहां अब रूल नंबर टू में निर्जीव प्राणी का प्लूरल सॉरी पीसी बनाना हो और वो पीसीएन में हो या एससीएन में डोंट माइंड ये कोई मायने नहीं यहाँ पे सिंगुलर में हो तो भी प्लूरल में हो तो भी और इस रूल पे हो तो उसका पीसी बनाने के लिए क्या करना है तो ये आपका जो है नाउन वन है और ये जो है आपका नाउन टू है ठीक है तो पीसी बनाना हो तो नाउन टू पहले आएगा और ये काकक की के है इसका अर्थ आप क्या लगाएंगे ऑफ और ये जो नाउन फर्स्ट है आप इधर देंगे ठीक है अरे बस समझ गए
जब नाउन फर्स्ट और नाउन टू है और दोनों के बीच में एकाकी किए हैं, फर्स्ट नाउन और निर्जीव है, सेकेंड क्या है उससे मतलब नहीं है, तो जो फर्स्ट नाउन होगा उधर जाएगा और सेकेंड नाउन इधर आएगा। लेकिन जब फर्स्ट ये सेकेंड नाउन इधर आएगा, सेकेंड नाउन सबसे पहले आएगा, तो इसके तुरंत पहले आप क्या लगाएंगे, द का प्रयोग अवश्य लगाना है। एकदम कन्फर्म है, याद रखना है आपको कि जो सबसे पहले नाउन आएगा इंग्लिश में उसके साथ क्या लगाना है, द का प्रयोग करना है। जैसे में कुर्सी की कीमत, तो शायद आप सोच रहे होंगे कि चेयर्स कॉस्ट अगर ये आप सोच रहे हैं बनाने के लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ नाउन वन है, नाउन टू है, नाउन ऐसा है, तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब द कॉस्ट। अब मैंने बताया कि जब ये इधर आएगा नाउन टू, तो इसके तुरंत पहले क्या लगाना है, द लगाना है। क्यों लगाना है द भाई, देखिए कुर्सी की कीमत द कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ किसका कीमत बता रहे हैं यहाँ पे, कुर्सी का, इसलिए तो ये कॉस्ट क्या हो गया, ये जो नाउन टू होता है वो निश्चित हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया, डिफिनिट हो गया, द कॉस्ट ऑफ चेयर, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की पानी, गंगा की पानी, तो आप इसे करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, द वाटर ऑफ द गंगा। कहेंगे कि सर आपने यहां बोला कि नाउन टू के पहले द लगेगा, यहां आप लगा दिए, तो सर ये क्या है, नाउन फर्स्ट, ये क्या पता कभी लगेगा या कभी नहीं लगेगा, जैसे यहाँ पे नहीं लगा था, यहाँ पे लग गया, तो क्यों लग गया, इसके ऊपर निर्भर करता है कि लेना लेगा या नहीं लेगा। ये नदी का नाम है, नदी के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, आपने पढ़ा आर्टिकल में, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया गया, यहाँ भी लग सकता है, लेकिन सेंटेंस आगे क्या कहेगा उसके ऊपर निर्भर है, ठीक है। कुर्सी की कीमत 400 रुपया है, तो कुर्सी की कीमत 400, कोई खास कुर्सी बताई गई, सभी कुर्सी 400 रुपये में मिलती है, डिफरेंट कॉस्ट ऑफ डिफरेंट चेयर, ठीक है, तो लेकिन कोई कुर्सी है जिसकी कीमत 400 बताई गई, इसलिए द कॉस्ट ऑफ द चेयर इज 400, यहाँ द चेयर हो जाएगा फिर 400 बताई, तो क्योंकि वो क्या हो गया, निश्चित हो गया। अरे बात समझिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। और आपने यहां देखा कि गंगा की पानी, द वाटर ऑफ द गंगा, लेकिन अगर यही रहता नदी का पानी, द वाटर ऑफ रिवर, केवल रिवर होता, द वाटर ऑफ रिवर, लेकिन अगर कोई खास नदी रहता जैसे गंगा, तो द हो गया, लेकिन अगर कहते गंगा की पानी साफ है, तो कोई खास नदी वहां बताया गया, नाम नहीं है, फिर भी पानी क्या है, साफ है, सभी नदियां की पानी साफ नहीं होती है, आपको पता है ना, सभी की नदी के पानी साफ नहीं होते, लेकिन जो बताया गया कि नदी के पानी साफ है, तो कोई खास नदी है, इसलिए नदी तो हाँ जो शब्द है नदी, उसके साथ आप द का प्रयोग करेंगे, क्या होगा, द वाटर ऑफ द रिवर इज प्योर, शुद्ध है या क्लीन, साफ है, यहाँ क्या है, नदी का पानी क्या है, शुद्ध है या साफ है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं पीसी। तो निर्जीव प्राणी का पोर्ट्रेट बनाएं, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फूलों का रंग क्या होगा, कमेंट कीजिए आप, फूलों का रंग, फूलों का रंग मतलब फूलों है क्या, प्लूरल है, लेकिन उससे क्या मतलब है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, द कलर ऑफ फ्लावर्स, द फ्लावर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट और नॉट, ओके, आप दोनों तरीका से बता सकते हैं, द कलर ऑफ द फ्लावर्स या द कलर ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। सेंटेंस अगर क्या है आगे, उससे उसके ऊपर डिपेंड है कि द फ्लावर्स होगा या नहीं होगा, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके।
तो आज आपने पीसी का प्रयोग पढ़ा और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ भी गई होगी और कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स भी हैं आगे जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप रिवीजन कीजिए, अगर यदि कोई आपको अभी तक कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, तब तक आप रिवीजन करते रहिए, आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और आराम कीजिएगा। थैंक यू।